अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो यहाँ पर मैं गुलवारे चावल, ये चावल को हमने उबाल लिया है और ये दूसरी तरफ हमने गाजरों को कद्दूकस करके इनका पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया था, बिल्कुल हल्की आंच पर इसके रख कर हमने इसका पानी खुश्क किया है। इतना पकाया कि इसके अंदर से सारा इसका पानी खुश्क हो चुका है और ये इस कंडीशन में आ चुकी है हमारे पास। अब दूसरी तरफ हम तैयार कर रहे हैं गुड़ की चाश। गुड़ की चाश तैयार करने के लिए हमने थोड़ा सा घी लिया है, उसमें इलायची डाली और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके उसमें गुड़ को पीस करके पीसेस में करके तो ये हमने इसकी चाश तैयार करने रख दी है। मीडियम आंच पे हर ये चाश तैयार हो रही है। तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक गुड़ बिल्कुल गल नहीं जाता इसके अंदर। तो जब तक ये चाश रेडी होती है तब तक कीप वॉचिंग। जी तो ये चाश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने दूसरी तरफ रखे हुए हैं बैंगन। आज हंडिया में बैंगन बने, मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दिया जाए। ओके, तो चाश बिल्कुल हमारी रेडी हो चुकी है। अब ये उबले हुए चावलों को हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और साथ में गाजर भी ऐड करेंगे जो हमने फ्राई की थी, जिसका पानी बिल्कुल हमने खुश्क कर लिया था। पहले हम कुछ चावल डालेंगे, फिर गाजरें ऐड करेंगे, देन अगेन हम इसमें चावल ऐड करके और तो इसका पानी खुश्क करेंगे। जैसे पानी खुश्क होगा थोड़ा सा पानी रहने देंगे ताकि इसे 15 मिनट का दम दिया जा सके। तो गाइस ये पानी चावलों का खुश्क हो चुका है। यहाँ पर हमने इसे दम दे दिया बिल्कुल हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए। अब हम इसे दम देंगे। 15 मिनट के बाद हमने दम खोला है तो ये चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। होप यू गाइस लाइक दिस व्लॉग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।